हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आइंस्टीन नॉलेज पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉग क्या होता है और हम ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया इंटरनेट की ओर बढ़ रही है। आज के समय में लगभग 60 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। आज के युवा अपना काफ़ी समय इंटरनेट पर बिताते हैं। आज के समय में हर कोई घर बैठे पैसा कमाना चाहता है। हम घर बैठे पैसा कमा भी सकते हैं और इंटरनेट से कमाने के कई तरीके हैं और इनमें से एक है ब्लॉग। हाँ दोस्तों, हम अपना ब्लॉग बनाकर उस पर ब्लॉगिंग कर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में ब्लॉगिंग को पैसे कमाने का एक सबसे अच्छा जरिया माना जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं और हम अच्छा ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए अब जानेंगे कि ब्लॉग क्या होता है। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत 1998 में एक होस्टिंग टूल के रूप में पायरल ऐप ने की थी और सन 2003 में इसे गूगल ने खरीदा। तब से यह इंटरनेट पर सबसे प्रसिद्ध शुल्क रहित होस्टिंग वेबसाइट बनी हुई है। यह गूगल की ही सर्विस है। ब्लॉग के जरिए एक व्यक्ति अपनी बात को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। जब कोई व्यक्ति गूगल पर कुछ सर्च करता है तब जो वेबसाइट्स उसे दिखती है वह सब ब्लॉग होती है। ब्लॉग को हम एक वेबसाइट भी कह सकते हैं जिसे बिल्कुल फ्री में बनाया जा सकता है और इसे बनाने के लिए हमें किसी प्रकार की वेब डिजाइनिंग कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती। वेबसाइट या ब्लॉग को बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ वेबसाइट जैसे ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर, मीडियम इत्यादि के जरिए हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। हम इन वेबसाइट के जरिए अपना एक सुंदर ब्लॉग बना सकर उस पर पोस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, हम ब्लॉगर पर अपना ब्लॉग बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं और अगर हम और किसी वेबसाइट पर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाने के लिए हमें होस्टिंग और अपना डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। हम अपने ब्लॉग को अकेले या अपनी एक टीम के साथ भी चला सकते हैं। ब्लॉग का साइज वेबसाइट की तुलना में छोटा होता है। हम अपने ब्लॉग पर फोटोज वीडियोज भी डाल सकते हैं और दोस्तों, जो कंटेंट हम ब्लॉग पर लिखते हैं उसे ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। हम अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक आदि पर भी शेयर कर सकते हैं। हम अपना ब्लॉग अपनी जानकारी के हिसाब से लिख सकते हैं। हमें जिस भी फील्ड में थोड़ी बहुत जानकारी है हम उसी के ऊपर अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। हम पुराने समय में जो चिट्ठी, डायरी, अखबारों या डाक का इस्तेमाल करते थे, ब्लॉग उसी का ही एक रूप है। आज की दुनिया में हम डायरी की जगह ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं। एक ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास कुछ जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन होना आवश्यक है। हम काम कर ब्लॉग से अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। हम अपना ब्लॉग किसी भी चीज़ जैसे कुकिंग, फूड रेसिपीज, ट्रैवलिंग, न्यूज़, मेडिकल या गैजेट्स के ऊपर भी बना सकते हैं। आपको जिस भी फील्ड में थोड़ी बहुत जानकारी है आप उसी के ऊपर अपना ब्लॉग बनाएं। आप अपना ब्लॉग कई विषयों पर बना सकते हैं और दोस्तों, कुछ ब्लॉग ऐसे होते हैं जो किसी खास विषय पर ही आधारित होते हैं जैसे ट्रैवलिंग या टेक्नोलॉजी इत्यादि। ट्रैवलिंग में वे अपने ट्रैवलिंग की वीडियोज़, फोटोज़ या कंटेंट बताते हैं और टेक्नोलॉजी में वह टेक के बारे में ही बताते हैं। किसी ब्लॉग को लिखने को ब्लॉगर कहते हैं। जो कुछ वह अपने ब्लॉग पर करता है उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। दोस्तों, अब ब्लॉगिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो भी व्यक्ति अपना ब्लॉग बनाता है वह अपने ब्लॉग को बनाकर उस पर पोस्ट लिखना, पब्लिश करना और अपने ब्लॉग को सजाना। एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग के लिए जो कुछ भी करता है वह ब्लॉगिंग कहलाता है। बात करते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। हम ब्लॉग पर गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और भी अन्य तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉगिंग को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है जैसे पर्सनल ब्लॉगिंग, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, ग्रुप ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल ब्लॉगिंग क्या होती है। पर्सनल ब्लॉगिंग में किसी तरह के ब्लॉग में एक व्यक्ति की व्यक्तिगत डायरी या कमेंट्री होती है। अधिकतर लोग ऑनलाइन डायरी लिखने के शौकीन होते हैं। वे अपनी बात, अपने तजुर्बे को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इन्हें ब्लॉग से पैसे कमाना नहीं होता, यह बस अपनी बातों को लोगों तक शेयर करने के लिए ब्लॉगिंग करते हैं। और दूसरा है ग्रुप ब्लॉगिंग। यह वह ब्लॉग है जिसमें पोस्ट एक या एक से अधिक लेखकों के द्वारा प्रकाशित होती है। ज़्यादातर हाई प्रोफाइल सहयोगात्मक ब्लॉग एक थीम के चारों ओर आधारित होते हैं जैसा राजनीति, बॉलीवुड या नई तकनीक इत्यादि। इस तरह के ब्लॉग पर एक टीम के द्वारा ब्लॉगिंग की जाती है। और तीसरा है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग डिजिटल जानकारियों को छोटे छोटे हिस्सों में प्रदर्शित करने का एक तरीका है जो पाठचित्र, लिंक एवं अन्य मीडिया के रूप में जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। माइक्रो ब्लॉगिंग एक पोर्टेबल संचार व्यवस्था है जिसे कई लोगों ने जैविक और सहज महसूस कर सार्वजनिक कल्पना का दर्जा हासिल करा लिया है जैसे ट्विटर और फेसबुक इत्यादि। और अगला है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। यह एक बिजनेस होता है। इसमें ब्लॉगिंग करने के लिए एक ब्लॉगर अपना समय, मेहनत लगाकर काम करता है। वह ब्लॉगिंग को अपना करियर मानते हैं। ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के लिए आपको धैर्य रखना आवश्यक है। ब्लॉगिंग से तुरंत पैसे नहीं कमाए जा सकते, इसके लिए आपको समय लगता है। मगर एक बार अगर आपका ब्लॉग रैंक हो जाए तो उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हैं।
तो दोस्तों एक ब्लॉगर बनने के लिए आपको सिर्फ पोस्ट लिखना आवश्यक नहीं होता, इसके लिए आपको अपने ब्लॉग को रैंक कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको SEO की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता होती है, आपको अन्य ब्लॉगर से मिलना होता है, आपको अपने ब्लॉग को समय समय पर डिजाइन करना होता है, ब्लॉगर बनने के लिए आपको समय भी लगता है। आपसे शुरू में कुछ गलतियाँ होगी पर आप उन्हें सुधार कर एक अच्छा ब्लॉगर बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको लिखने का भी शौक होना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप एक अच्छा ब्लॉगर बन सकते हैं। तो दोस्तों अब आप ब्लॉगर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। दोस्तों हमारी अगली वीडियो म्यूजिशियन कैसे बने इस टॉपिक पर आने वाली है। अगर आप म्यूजिशियन कैसे बने ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ गलती नज़र आती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और हमारे चैनल आइंस्टीन नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।